भैया ग्वालियर से स्पेशली मॉडिफिकेशन कराने के लिए। देख सकते हैं ये इसकी शॉकर प्रोटेक्शन जो इसके अंदर लगाई गई है, जिससे काफी प्रीमियम क्वालिटी क्रैश गार्ड है। ये देख सकते हैं ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। फॉग लैंप जो कि देख सकते हो आप, ये इसके ये आपके हो गया व्हाइट, ये हो गया येलो व्हाइट और ये ब्लिंकर। इसमें लगा दिए गए लीवर जो कि मिलता है आपको RCB का, जैसे मैंने और ये अपनी फिंगर के एडजस्ट भी कर सकते हो ना, ये एडजस्टमेंट है इसकी। साथ में RCB का ओरिजिनल हैंड ग्रिप, ये भी सब हुक, ये हुक कोई नॉर्मल हुक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वाला हुक है जिसे लगाने के बाद ना आप। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो स्कूटी दिखाने वाला हूँ उसकी सबसे स्पेशलिटी है कि आए हैं हमारे पास भैया ग्वालियर से स्पेशली मॉडिफिकेशन कराने के लिए, और ये टेस्ट में थे करीब 1 वीक से। इन्होंने कहा जिस दिन मैं नहीं लूँगा सीधा मैं आपके पास आऊँगा, तो इनको जितनी चीज़ें लगवानी थी सारी चीज़ें, और भैया ने थोड़ा बहुत वहाँ पर इंटरव्यू में पूछ लिया था कि भैया ये सब मिल सकता है नहीं मिल सकता। वैसे तो आप लोगों का ट्रस्ट इतना है ना कि आप लोगों को पता होता है कि अपने पास सारा कुछ मिल जाता है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात होती नहीं। बट फिर भी जिसको नहीं पता वो पूछ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। जैसे कि भैया ने पूछा, और इसके अंदर जो किया है ना वर्क वो मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत ही कुछ किया गया, छोटा मोटा काम नहीं, बहुत कुछ वर्क इसके अंदर किया गया जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक आधा RCB से छोड़कर बाकी सब कुछ इंस्टॉल कर दिया गया है। मैं लुक दिखाता हूँ आपको फ्रंट से किस तरीके से आ रही है, पहले अभी रेडी हो रही है, अभी देख लो अभी का क्या है इसके अंदर, फिर जब रेडी हो जाएगी फिर मैं पूरी दिखा दूंगा आपको। ये देखिए इधर जो सबसे पहले इसके अंदर लगाया गया ना वो आपको देखने में लीवर जो कि मिलते हैं आपको RCB के ओरिजिनल लीवर, जो कलर मैचिंग दी गई ना जो कि भैया की पसंद है वो गोल्डन कलर है, तो गोल्डन से सारी अटैचमेंट दी गई है इसके अंदर। इसके अंदर ये लगा दिया गया जो कि आपको लीवर देखने मिल जाता है इसके अंदर RCB के ओरिजिनल, RCB के इसमें ओरिजिनल ही इसके अंदर लगाए हैं हैंड ग्रिप जो कि आप देख सकते हो, और ये प्रीमियम क्वालिटी वाले हैं, लोकल क्वालिटी बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी है वो इसके अंदर दिए गए हैं आपको RCB के। इधर भी इससे मिलेगा आपको, इस तरफ इसमें लीवर गार्ड लगने बाकी है, अंदर बुश देख रहे हो बुश भी इसमें ठोक चुके हैं, बाकी इसके अंदर अभी क्रैश गार्ड आई का लग चुका है। हार्नेस आप देख रहे हो, तो हार्नेस का मतलब ये होता है कि हार्नेस का ये लॉजिक होता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम लगने वाला हार्नेस वाले जो देख सकते हो आप, मॉडल वैसे ये सारे आते हैं इसके अंदर, बट इसमें जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं टू फ्यूचर आई, ये इसके अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। बाकी फ्रंट से देखोगे तो आपको देखने मिलेगा इसका शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर जो कि मिलता है गोल्डन कलर के मैचिंग, जैसे गोल्ड इसका रिम है तो उसकी मैचिंग के हिसाब से दिया गया। इधर भी सेम इधर, जिससे लुक भी नहीं जाती है, और लुक के साथ साथ ना आपको सेफ्टी हो जाती है पूरी तरह से। फ्रंट की भी मैं बताऊंगा बाद में क्या सेफ्टी होती है, और साथ में इसमें कार्बन पार्ट काफ़ी सारा लग रहा है इसके अंदर जो कि मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले आप चेकआउट कर लो इसके अंदर क्या लगा है। इसके अंदर लगाया हमने ये वाला कार्बन वाला पार्ट जो मैं बता रहा था आपको, ये कार्बन का काफ़ी सारा पार्ट है इसके अंदर, ये इसमें इंस्टॉल कर दिया गया। साथ में गोल्ड इसके अंदर सलेंसर जैसे सलेंसर प्लेट है, नीचे गोल्ड कलर की आपकी लगा दी गई है इसके, ये है इसका क्या एग्जॉस्ट लाइटर, और पीछे क्रैश गार्ड जैसे फ्रंट क्रैश गार्ड जैसे पीछे बैकवर्ड क्रैश गार्ड लग गया है इसके अंदर, इंडिकेटर बल्ब लग चुके हैं इसके अंदर, टॉप रैक आप देख रहे हो टॉप रैक भी इसमें इंस्टॉल हो गया है, लेडीज़ फुटरेस्ट भी इसमें लग चुका है, कार्बन पार्ट ये भी लगे हुए काफ़ी सारे, और अभी इसके अंदर काम चल रहा है अभी ना, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने का फिर आपको दिखाता हूँ बाकी भी इसमें बहुत सारा काम है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर, इसके अंदर बहुत सारा काम हो रहा था और अब ऑलमोस्ट डन हो चुका है सारा काम, और अभी जा रही है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से, फ्रंट में क्या लगा है। फ्रंट में इसमें लगाए गए देख सकते हैं, ये इसकी शॉकर प्रोटेक्शन जो किसके अंदर लगाई गई है, जिससे आपका शॉकर और मडगार्ड ये होता है पूरी तरीके से, और गोल्डन कलर का आपका रिम है तो गोल्डन ही मैचिंग का इसके अंदर लगा दिया गया आपका इस तरफ ये, और नीचे आपको मिलेगा फॉक्स लैडर जिससे आपका ABS प्लेट और डिस्प्ले ये होता है पूरी तरीके से। सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो, लुक के साथ साथ सेफ्टी बहुत सारी ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर। साथ में आपको देखने मिलेगा क्रैश गार्ड जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी क्रैश गार्ड है, ये देख सकते हैं ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। इसे लगाने के बाद आपकी इसकी पूरी बॉडी में प्रोडक्ट हो जाती है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल नई है और नई गाड़ी में क्या होता है हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है, और ये सब ना कराएं तो। इधर भी इसे मिलेगा उस तरह, उसमें स्लाइडर मिल जाता है जिससे होती है फुल प्रोटेक्शन। साथ में आपको देखने मिलेगी फॉग लैंप जो कि देख सकते हो आप, ये इसके फॉग लैंप जो कि है टू फ्यूचर आई, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। इसे लगाने के बाद इसकी रोशनी दिखा दूँ किस तरीके से होती है, चाबी हो गई ऑन, ये देखो ये बटन है इसका, ये आपका हो गया येलो, ये आपका हो गया वाइट, ये हो गया येलो वाइट और ये ब्लिंकर्स। इसमें मिलता है 4 to 5 पैटर्न्स के अंदर आपको इजीली मिल जाते हैं। इसे करते हैं बंद, और उसके बाद दिखाता हूँ इसमें इंडिकेटर बल्ब विद हजार्ड, ये देखिए नीचे आपके इंडिकेटर बल्ब है। साथ में इसमें मिलेगा आपको देखने को हजार्ड, देख सकते हो इधर भी और पीछे भी, देखिए इंडिकेटर बल्ब सिमटेक के ओरिजिनल एंड हजार्ड, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और साथ में इसमें लगा दिए गए लीवर जो कि मिलता है आपको RCB को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वही लीवर है जो कि इसके इंस्टॉल कर दिए गए। इंस्टॉल करने के बाद
आप ये लगा लो कि इसमें काफ़ी कंफर्ट राइड भी फील होती है और ना कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिया गया है कि लुक काफ़ी एनहेंस हो जाता है इसे लगने के बाद। और ये अपनी फिंगर के और एडजस्ट भी कर सकते हो ना, ये एडजस्टमेंट है इसकी, इससे एडजस्ट भी कर सकते हो इसको। साथ में आरसीबी का ओरिजिनल हैंड ग्रिप ये भी इसके अंदर लगा देंगे गोल्डन कलर के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया उसी तरीके से। और इधर भी सेम मिलेगा आपको इस तरफ। और जो भी आरसीबी का आइटम्स में आरसीबी का ब्रांड हमेशा से इस तरीके का ब्रांड आता है उसके अंदर ओरिजिनल के अंदर। इधर आपको देखने मिल जाएगा लीवर गार्ड, जिससे आपका लीवर और हैंड दोनों होंगे पूरी तरीके से। इधर भी सेम मिलेगा आपको इस तरफ। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ उसके अंदर और एक चीज़ और, ये देखिए ये जो देख रहे हो ना हुक, ये हुक कोई नॉर्मल हुक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वाला हुक है जिसे लगाने के बाद ना आप कोई भी सामान अपना कैरी कर सकते हो उसके अंदर इजीली, क्योंकि आपको पता है सामान कैरी करने की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इस वाली स्कूटर के अंदर। और अब बात आती है बैक साइड में, बैक साइड में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जैसे फ्रंट में क्रैश गार्ड उसके बैक साइड में क्रैश गार्ड है, ये भी इसके अंदर लगा दिया गया है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी वाला है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का जो देख सकते हो आप, ये भी इसके अंदर लगा दिया गया है, जिसे लगाने के बाद आपकी पीछे से प्रोटेक्शन आगे से होगी, पीछे से प्रोटेक्शन होगी। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर एरोक्स की ब्रांडिंग वाला, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी वाला है आपका लेडीज़ फुटरश, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप इजीली किसी को बिठाना हो कोई भी आराम से बैठ सकता है इसके अंदर। और इसके बाद बात करी जाए नीचे तो साइड स्टैंड जैकेट, ये देखिए साइड स्टैंड जैकेट चूँकि लगा दी गोल्डन कलर की, ये देखो। और गोल्डन कलर इसलिए कोई गाड़ी का जो कलर है ना कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादातर गोल्डन ब्लैक दिया, तो इसीलिए इसके अंदर ही लगा दिया गया। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको कार्बन कलर का, देख सकते हैं एयर फिल्टर कवर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और इसे इंस्टॉल करने का लुक काफ़ी एनहांस हो जाता है, जो लगा होता है वो हट जाता है और ये लग जाता है। जैसे ऊपर वैसे नीचे देखेंगे आपको इंजन कवर, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि लुक को करता है काफ़ी एनहांस। और बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा मडगार्ड, ये इसका फुल मरगाड़ है जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है पीछे की तरफ। और फुल मरगाड़ लगाने का जो लॉजिक होता है ना वो देखो, वो ये होता है कि पूरी डस्ट ना कवर अप हो जाती है इधर की, और जो थोड़ी बहुत रहती है वो कवर कर दी हमने इसे टायर है घर से, देख लो। ये भी इसका कार्बन प्लस गोल्डन मैचिंग का लगा देगा, और ये होता है आपको ओरिजिनल एरोक्स का ही। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हो ये इसका साइलेंसर प्लेट, जिससे आपका लगाने के बाद थोड़ी सी लुक एनहांस हो जाती है, क्योंकि कार्बन कलर का है, इसमें जो लगा होता है ब्लैक लगा होता है ये वाला, ठीक है ना, तो ये निकाल के इसमें ये भी लगा देगा। साथ में से मिलेगा आपको एग्जॉस्ट लाइटर जो कि देख सकते हो, इसे लगाने से आपका एग्जॉस्ट होता है पूरी तरीके से, जब भी आपकी गाड़ी गिरती है ना तो गिरने का फुल सेफ हो जाती है आपकी बाइक स्कूटर कुछ भी हो। साथ में इसमें टॉप रैक देख सकते हो, ये भी लगा दिया गया है जो कि मिलता है आपको इम्पोर्टेड वाला। और उसके बाद नीचे देखने मिलेगी इसकी बैकलाइट, देख लो ये बैकलाइट है, ये भी इंस्टॉल कर दिया, इसमें कलर चेंज होते हैं ऑटोमेटिकली, देखो इसके अंदर आपको मिल जाता है मल्टी कलर, जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर आपको मल्टी कलर प्लस आपका ब्रेक लाइट और साथ में इंडिकेटर, ये भी इसके अंदर मिल जाते हैं। और इसके बाद आपको देखने मिलेगी इसके अंदर अंडरटेल, ये देख सकते हो ये भी इसके अंदर लगा दी गई है, जिससे लगाने के बाद कलर इसके अंदर भी चेंज होते रहते हैं, इंडिकेटर इसके अंदर भी आपको मिल जाता है देखने को। और इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर लगा रखी है ना, ये आधी से ज़्यादा मैं भी भूल गया कि भूल जाता हूँ इसमें क्या लगाया क्या नहीं लगाया। बाकी इसके अंदर सीट लगाएंगे नेक्स्ट टाइम, देखो ना जैसे सीट नहीं इसमें नेक्स्ट टाइम सीट लगाएंगे, ये वाली सीट से बनवाई थी बट भैया को अच्छी कुछ डिफरेंट अलग तरीके की। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।